हे गाइस वेलकम दोस्तों, फाइनली रियलमी ने 9 5G सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। रियलमी 9 5G एंड 9 स्पीड एडिशन 5G दोनों आज लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों मैं बात करूं वेरिएंट की तो रियलमी 9 5G दो वेरिएंट के साथ आया है, 4GB प्लस 64GB जिसकी प्राइस है 14,999। एक और वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB जो कि आपको 17,500 रुपये में देखने को मिलता है। मैं स्पीड एडिशन 5G की बात करूं तो ये भी दो वेरिएंट के साथ में आया है, 6GB प्लस 128GB बेस वेरिएंट है जिसकी प्राइस है 19,999 20,000 रुपये। एक और वेरिएंट है 8GB प्लस 128GB इसकी प्राइस है दोस्तों 22,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये दोनों स्मार्टफोन ओवर प्राइस्ड लॉन्च किए गए हैं, बट अगर आप लोग फर्स्ट प्ले सेल में कार्ड का यूज करके इनको बाय करोगे ना तो आई थिंक ये दोनों स्मार्टफोन एकदम तगड़े और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं कि इनके अंदर आपको मिलता क्या है जो कि इस एक्चुअल प्राइस को जस्टिफाइड नहीं करता है। सबसे पहले मैं 9 5G की बात करूँ ना तो इसमें आपको 90 हर्ट्ज का एक IPS डिस्प्ले मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, जो कि दोस्तों चीप क्वालिटी का डिस्प्ले है। कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 मिलता है। 5G चिपसेट है, 6nm प्रोसेसर है, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, तो इस बजट पर आप लोग गेमिंग एकदम तगड़ी कर पाओगे। इसमें 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास हैं, ऊपर से आपको अल्ट्रा वाइड भी नहीं मिलता है। 2-2 मेगापिक्सल के फालतू के डेप्थ और माइक्रो तो दे दिए हैं लेकिन अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी है और ओनली 18W के फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। सिर्फ 18W की चार्जिंग आपको मिलेगी, इससे ऊपर नहीं मिलती है। बाकी दोस्तों टाइप सी पोर्ट है और 3.5mm का जैक भी दिया गया है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी दोस्तों लो कर दिया है, एंड्रॉयड 11 है आउट ऑफ द बॉक्स जो कि Realme UI 2.0 पर बेस्ड है। मतलब दोस्तों ना ही इसमें 12 का अपडेट है और ना ही आपको वर्जन मिलता है Realme UI 3.0 का। तो आई थिंक ये दोस्तों काफ़ी पुराना हो चुका है, अब तो न्यू वर्जन आना चाहिए था बट नहीं दिया है। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने को मिल जाए, बट फिलहाल आपको 11 और 2 पर बेस्ड देखने को मिलेगा, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। डिजाइन की बात करूं तो कुछ खास नहीं है। आप लोग रियलमी 8S को देख लो और 9 5G को देख लो, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आपको एग्जैक्टली सेम डिजाइन देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों अगर मैं रियलमी 9 स्पीड एडिशन 5G की बात करूं तो इस फोन में आपको 144Hz का एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और आपको डिस्प्ले पर कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो रिफ्रेश रेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, बाकी डिस्प्ले की जो है क्वालिटी वो वैसी होने वाली है। दोस्तों इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G मिलता है जो कि आप लोग बोल सकते हो इस फोन का सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर और ये स्पेशली गेमिंग को टारगेट करता है, तो अच्छा चिपसेट है। मिड रेंज के हिसाब से इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कराने वाला है। ये 6nm प्रोसेसर है, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, तो परफॉर्मेंस में आई थिंक प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। इसमें भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वही मिलता है, एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स जो कि आई थिंक Realme UI 2.0 के साथ ही आता है। तो यार ये कम से कम ज़्यादा होता तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर होता, सब कुछ ही लो कर दिया है। खैर छोड़ो, बाकी दोस्तों इस फोन में आपको बैक साइड में वही 48 मेगापिक्सल के कैमरास हैं ट्रिपल, इसमें भी आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है, वही 2-2 मेगापिक्सल के फालतू के लेंस चिपका दिए हैं। इसमें भी 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी है इन फ्रंट, दोनों में कॉर्नर पर टॉप पर पंचोल होल देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन में भी आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी और इसमें आपको 30W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बाकी चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट है और 3.5mm का जैक भी मिल जाता है और हाँ दोनों में सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, कोई भी स्टीरियो स्पीकर्स नहीं दिए गए हैं। इस फोन की डिजाइन की बात करूं तो ये पहले ही लॉन्च हो चुका है चाइना में, रियलमी Q3S के नाम से वही रीब्रांड किया गया है इंडिया में, तो डिजाइन आपको वैसा ही देखने को मिलता है जो कि मुझे कुछ खास डिजाइन यहाँ पर नहीं लगा। तो गाइस ये थे इन दोनों स्मार्टफोन के कन्फर्म फीचर्स, दोनों की जो फर्स्ट प्लेस
सेल है वो दोस्तों 14 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग इन स्मार्टफोन को फर्स्ट फ्लैश सेल में बाय करोगे ना और आपके पास में ICICI बैंक या फिर SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको यहाँ पर 1500 और 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 9 5G पर 1500 का डिस्काउंट होने वाला है और 9 स्पीड एडिशन 5G पर आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। जिससे दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन जो रियलमी 9 5G है वो आपको सिर्फ 13500 रुपए में मिल जाएगा, जबकि स्पीड एडिशन 5G स्मार्टफोन सिर्फ आपको 18000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इन प्राइस पॉइंट पर ये मैं बोलूंगा कि ठीक ठाक स्मार्टफोन है, मतलब दोस्तों गेमिंग को टारगेट करते हैं ये दोनों स्मार्टफोन, तो आप गेमिंग के लवर हो तो मैं बोल सकता हूं कि गेमिंग के लिए ये दोनों स्मार्टफोन जबरदस्त होने वाले हैं इस प्राइस पॉइंट पर। डायमेंसिटी 810 कोई नहीं देता है 13500 रुपए में। 778G जो कि 25-30000 रुपए के स्मार्टफोन में आपको मिलता है 18000 रुपए में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, तो गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट मैं इनको बोल सकता हूं। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या ये ओवर प्राइस्ड है या फिर आपको इस प्राइस पॉइंट पर कैसे लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा नहीं किए तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।